पेट तुलवा के मशीन को कैसा फील हुआ मैं तो ये सोच रही हूँ। तो ये है नैनीताल का बाजार और चलिए आज अनमोल से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो है ट्यूसडे का दिन और 4 जुलाई है आज। तो प्लेन्स में जो है आज से सावन लग चुका है पूर्णमासी के अगले दिन से, लेकिन हमारे पहाड़ में संक्रांति के बाद अगला महीना शुरू होता है। तो हमारा पहाड़ का जो सावन है वो शुरू होने वाला है 17 तारीख से, यानी कि अभी हमारे सावन में टाइम है और प्लेन्स वालों में सावन लग चुका है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और हर हर महादेव। तो महादेव का पूजन कीजिए इस महीने में, और इस बार सावन वैसे भी काफ़ी लंबा होने वाला है और नैनीताल में तो वैसे ही सावन बरस रहा है। आप देख ही रहे हैं वीडियोज़ में कि रोज़ बारिश होती है, कभी हल्की कभी तेज़। तो चलिए फिर आज नैनीताल में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। तो देखिए पहाड़ों में इस तरह से लोग मेहनत करते हुए सामानों को लेके जाते हैं इधर से उधर, तो बड़ा ही मुश्किल है ये संघर्ष भी। और सामने मौसम देख सकते हैं आप, इस तरह का मौसम है शाम का। तो दिन में ज़बरदस्त बारिश हुई थी लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम खुल गया है, तो इस तरह का कुछ है मौसम। और मैं जा रही हूँ नीचे। तो आज बड़े ही दिनों बाद देखने को मिली है नैनीताल के खाली सड़कें, तो बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है खाली सड़क देख के। ट्रैफिक देख देख के दिमाग ख़राब हो चुका था। तो आज सबका वेट नप रहा, और इस समय जो इंसान वेट नापने गए हैं उनको देख के मशीन भी शर्मिंदा है। तो ये पेट तुलवा के मशीन को कैसा फील हुआ मैं तो ये सोच रही हूँ। मैडम वो मशीन ये कह रही थी कृपया खड़े होकर हमें शर्मिंदा ना करें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मशीन करने के आदमी खड़ा करेंगे क्या खड़ा करेंगे। तो ये है नैनीताल का बाजार और सामने एक बार फिर से देख सकते हैं आप, लोग कैरम बोर्ड खेलने पे लगे हैं जो कि यहाँ का बड़ा ही ट्रेंड है। तो ये लोग रात रात तक यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट तक कैरम खेलते रहते हैं, तो बड़ा ही पैशन है लोगों में कैरम का। और इधर है हमारा चाय का अड्डा जहाँ हम चाय पीते हैं। तो ये हमारी, हम इसे बाजी की दुकान कहते हैं, तो ये हमारा चाय का अड्डा है और बेस्ट चाय मिलती है यहाँ पे नैनीताल की। तो शाम के टाइम बाज़ार की रौनक बड़ी ही अच्छी होती है, हालाँकि अभी टूरिस्ट अब कम हो चुके हैं लेकिन बड़ी अच्छी रौनक हो रही है, और स्पेशली इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बड़ी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इधर है नैनीताल की बड़ी ही फेमस शॉप रामलाल एंड ब्रदर्स, जो कि 1901 से यहाँ पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये दुकान हो चुकी है, 125 साल पुरानी, तो काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पे जो गर्म कपड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो आप उसका एक और नाम देख सकते हैं, स्कॉटलैंड हाउस ऑफ अल्मोड़ा। तो ये देखिए इस तरह का कुछ यहाँ पे सामान मिलता है, गर्म कोट्स हैं और शॉल्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आइटम्स मिल जाते हैं। तो आज है नैनीताल की खाली सड़कें यहाँ पर बड़े दिनों बाद जो देखने को मिली हैं। अभी ऊपर भी दिखाई थी मैंने आपको, और यहाँ भी देखिए बिल्कुल भी जाम नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं हैं, तो लोग भी कम हो चुके हैं। और आज हमारे साथ अनमोल जी भी जुड़े हुए हैं, तो अनमोल आप आना चाहेंगे इधर। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए अनमोल आज बड़े दिनों बाद हमारे साथ वीडियो में आया है, तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं पहले। तो चलिए आज अनमोल से जानते हैं कि अनमोल सीज़न आपका कैसा रहा, पहले तो आप ये बताइए क्योंकि काफ़ी दिनों में आप भी मिले हैं हमको। सीज़न काफ़ी अच्छा रहा, और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी सीज़न काफ़ी है, 15 के बाद सीज़न के लिए डाउन हो जाता है। हाँ। लेकिन इस बार कहते हैं अभी भी कहते हैं थोड़ा हल्का फुल्का भीड़ कहते हैं आपको दिखते रहेगी। हाँ, तो आप वैसे गाड़ियाँ तो आज कम हो गई हैं, गाड़ियाँ तो आज नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपके पीछे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है मॉल रोड की तरफ। देखिए मॉल रोड में कहते हैं टूरिस्ट भी को घूमना भी अच्छा लगता है, लोकल भी काफ़ी घूमते हैं। हाँ। शाम के समय कहते हैं सैर के लिए निकलते हैं अपने। हाँ, तो काफ़ी यहाँ पे लोकल्स भी दिखाई देते हैं शाम को, टूरिस्ट दोनों ही आते हैं। तो आपका काम कैसा रहा इस सीज़न में अनमोल? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। चलिए अच्छी बात है, तो थोड़ा आप अपनी दुकान का प्रचार करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ दुकान में जो शॉप नंबर 14 पालिका मार्केट में छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, आज शॉप क्लोज थी क्योंकि मेरा पेपर था। ओके, तो अनमोल अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और अनमोल के पीछे आप देख सकते हैं मॉल रोड है। तो ये देखिए यहाँ पे मॉल रोड में काफ़ी भीड़ अभी दिखाई दे रही है इस टाइम पे। वैसे आज नैनीताल शहर में गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, देखिए नीचे भी रोड पूरी खाली है,
और लेकिन लोग चलते फिरते काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कुछ लोग लोकल्स भी होंगे क्योंकि शाम का टाइम लोकल्स का भी घूमने का होता है। तो चलिए थोड़ा सा मॉल रोड चलते हैं आगे की तरफ। तो कुछ इस तरह की चहल पहल है और अचानक से कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो डरा दे रहे हैं लोग। तो आज बहुत गलत है क्योंकि जिस तरीके से मॉल रोड में इस तरीके का चलन नहीं था देखा जाता था। पर लेकिन जो क्या कहें अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, चेंज हो गई हैं। हाँ वाकई में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी आपको फर्क नज़र आएगा। बहुत फर्क है सच में, सच में बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग पहले भी आते हैं। हाँ तो आपके दुकान में आके कई लोग कहते भी होंगे बात। जी हाँ, एक चीज़ कहते हैं कि नैनीताल का थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ अब जो नैनीताल का जो मेन एसेंस था वो गायब हो चुका है और अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं नैनीताल में, तो ये तो हर कोई बोलता ही है। तो ये है मचान रेस्टोरेंट, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था। तो मैंने हमेशा जब भी यहाँ खाया है तो काफ़ी अच्छा मेरे को खाना मिला है, लेकिन अभी किसी ने लिखा था कि यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं था। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि सीज़न जब बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे खाने की क्वांटिटी बस ज़्यादा बनती है, उस वजह से थोड़ा सा टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि शेफ़ चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से भी। लेकिन ओवरऑल जो मैंने हमेशा यहाँ पे खाना खाया है तो वो काफ़ी अच्छा ही रहा है। और इसके अलावा बाज़ार में आप अनुपम रेस्टोरेंट भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी वहाँ भी नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। और इस तरह की कुछ भीड़ भाड़ है इस जगह पर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हूँ यहाँ पर स्वरंस के पास, और यहाँ पर देखिए दो रेस्टोरेंट हैं, पुरोहित और एम्बेसी। जो कि देखिए एम्बेसी जो है उसमें इंडियन चाइनीज़ सब मिलेगा, वेज नॉन वेज। और उसके बगल में है पुरोहित रेस्टोरेंट जो कि प्योर वेज है, और इसका एम्बियंस भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो बड़ा ही सुंदर सा ये रेस्टोरेंट्स हैं दोनों, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग इस टाइम मॉल रोड में, क्योंकि ये टाइम ही इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है वेदर बहुत अच्छा है, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इंजॉय करते हुए। और वेदर की बात मैं कर रही थी तो वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, 19 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है दिन का, 18-19 के आसपास, और शाम का भी 15-16 ही जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है घूमने के लिए, परफेक्ट मौसम है। तो चलिए यहाँ से हम लौटते हैं वापस। तो पंत पार्क वाली साइड में मैं आ गई हूँ, और फ़िलहाल आज यहाँ पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज इतना कुछ खास दिन है भी नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा ही हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चाय की दुकानें बहुत सारी हैं, तो जो लोग चाय के शौकीन हैं और पहाड़ में आके चाय पीना चाहते हैं, मैगी खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पंत पार्क की स्टार्टिंग में ही दुकानें हैं, यहाँ पे आप लोग चाय पी सकते हैं। और स्पेशली जब बारिश वारिश होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पे चाय। और इधर देखिए पंत पार्क के ठीक सामने वीआईपी पार्किंग जो कि बना दी गई है वीआईपी पार्किंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज दिखाई दे रही है। और इस साइड अंदर की तरफ काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ से दिखाई दे रही है लेक, और थोड़ा सा कोहरा लगा है तो आज उस साइड में जा नहीं रही हूँ, तो आज आप लेक का व्यू मिस करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं वापस मार्केट की तरफ, और यहाँ पे देखिए आज गाड़ियाँ नहीं है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मार्केट में वापस आ चुकी हूँ और पीती हूँ गर्मा गर्म चाय नीचे से आके। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड, और कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।